नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई। दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं, दिल्ली में कल शाम 4:30 बजे के बाद रिमझिम बरसात थी और 5:30 बजे से लेकर 6-7 बजे तक अफलातून बरसात, जिसको बोलते हैं तूफान के साथ मोटी बूंद, लगातार तबले की थाप पे चलती रही। फिर उसके बाद बारिश कम हुई और सारी रात बरसात चलती रही। अब जो है थोड़ा सा जाके बरसात बंद हुई है रिमझिम सुबह में तड़के में। चलिए जान लेंगे आज का दिल्ली का क्या कुछ बाजार चला, टमाटर का कितनी गाड़ियाँ हैं, टमाटर की मंडी में क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। राणा साहब को बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी भाई साहब जी। जी सरकार हुकम। भाई साहब जी आज की क्या पोजीशन जी? आज तो पोजीशन आप हमारे को बता दोगे, पूरी मंडी के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ग्राहक ग्राहक का नाम नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। हाँ जी हाँ जी। उस कोने से उस कोने तक सब्जी वगैरह में देखो आप, बिल्कुल मंडी खाली दिखाई देगी। ये कल समझ लो 4:30 बजे शुरुआत हो ली थी जी बरसात। जी 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 4:30 से लेकर रात के 11-12 बजे तक लगातार बारिश बरसती रही, फिर उसके बाद ये रिमझिम रही जी। बिल्कुल कस्टमर के पास 100 ग्रेड टमाटर के ले आने वाला 100 ही बचा करके बैलेंस बैठा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर माल शाम के समय ही बिकते हैं। बिल्कुल, कई तो बाजारों ने ठैया ही नहीं खोल पाए बेचारे, जिनका टमाटर सब्जी आती है उन्होंने ऐसे कैसे पैक करके वापसी निकला है। अच्छा, बाजार ही नहीं लगे, जिनके बाजार लगने थे उन्होंने बाजार नहीं लगाए। हाँ जी हाँ जी। तो आज का कितनी गाड़ियां है जी, नई गाड़ियां मंडी की? गाड़ियों की आवक 35 गाड़ी की मंडी में आवक गाड़ी है, 20 गाड़ी बड़ी गाड़ी और 15 छोटी गाड़ी। अच्छा जी हाँ। और अभी टमाटर की पोजीशन जो है खुली नहीं है पूर्ण रूप से, क्योंकि अभी कस्टमर ही नहीं है। अच्छा जी। अभी तो हम पैसे मांग रहे हैं ग्राहकों से। अच्छा जी। ग्राहक अभी कोई पैसा लगा के कोई अपना तो लगा के जा रहा होगा जी, आज का देसी का क्या लगा के जा रहे हैं? पोजीशन तो वही खुलेगी, देसी की पोजीशन 200 से लेकर 250 रुपए एटा। अच्छा जी। और भोपाल का टमाटर 300 से लेकर 320-330 रुपए तक, विराट टमाटर 300 रुपए के आसपास, 310 रुपए के आसपास, और बस यही सारी पोजीशन इसी में आ गई है। अच्छा, जनरल पोजीशन यही है। अच्छा, तो कल से क्या रहेगा जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे? कल जैसे बाजार रहेगा, कल से बस धीरे धीरे टमाटर बिकेगा, बाजार में तेजी तो आएगी नहीं। अच्छा, 10-20 रुपए की गिरावट आ सकती है, तेजी नहीं आएगी। अच्छा जी। अच्छा। जी, जी, जी अभी रुख कोई साफ नहीं हुआ जी, बरसात का असर है? बरसात का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अच्छा जी। अच्छा, पर वैसे शुक्रवार को माल भी ज्यादा बिकता है जी काफी? भाई शुक्रवार को सप्लाई जो होती है वो डबल हो जाती है, जो होटल लाइन की सप्लाई है वो डबल होती है, संडे की छुट्टी होती है, कल वो डबल सप्लाई निकालते हैं। अच्छा, तो शुक्रवार के दिन माल थोड़ा ज्यादा परचेस करते हैं। चलो जी, रोक के बेचो, पैसे बनने चाहिए जी। पैसे बनेंगे तो नहीं, माहौल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, कल ग्राहकों का माल नहीं बिका तो परचेसिंग करने कैसे आएंगे आज? चलो होटल वालों को तो चाहिए जी माल, होटल वाले हाइब्रिड टमाटर लेके जाएंगे, अपने पास जैसे देसी क्वालिटी आई हुई है। हाँ जी, तो देसी के लिए कस्टमर को हमारे को इंतजार करना पड़ रहा है कौन सा कस्टमर आएगा। जो हाइब्रिड ही ले जाते हैं जी? जी जी जी। अच्छा जी। अच्छा, आपको पहलवान जी भी बैठे हैं, आई लव यू टमाटर वाला, ये भी से छोड़ के इधर आ लिए जी शायद। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मोबाइल नंबर 98-111-63-748, नाम दीपक डिंगरा, फर्म का बोर्ड आपने दिखाई दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों रेट कल ही वाले समझ लो, पर ग्राहक अभी है नहीं, ग्राहक निकलेंगे इसीलिए रोके बैठे, क्योंकि बरसात बहुत अच्छी, क्या बहुत ज़्यादा बरसात थी, अच्छी नहीं कहेंगे क्योंकि बेमौसमी बरसात है, पर बरसात के बारे में बोलना भी ना चाहिए, कभी ये भी ना कहना है, क्योंकि ये कुदरत का काम है, उसके किसी भी चीज़ में दखल ना देना चाहिए, ये भी क्यों बरसाई, ज़्यादा बरसाई, कम बरसाई, जिसका नुकसान होगा उसको तो बोलना पड़ेगा, वो तो गाड़ियाँ दे सकता है, जिसका नुकसान नहीं होया